आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें एक बुलेट दी है जो स्पीड v से मूव कर रही है और मास m है, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू मेरे को गिवन है 0.012 kg, स्पीड गिवन है 70 मीटर पर सेकंड, कैपिटल m गिवन है 0.4 kg, ठीक है। और वो जैसे ही इसको स्ट्राइक करती है तो इंस्टेंटली रेस्ट पे आ जाती है, बट विद रिस्पेक्ट टू वुडन ब्लॉक, ओके। तो मेरे को क्या गिवन है कि आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ बुलेट वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ओके। हमसे पूछा है कि वो जो ब्लॉक है वो कितनी हाइट तक राइज करेगा और हमें अमाउंट ऑफ हीट भी बताना है कि कितनी प्रोड्यूस होगी। सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो क्योंकि कोलिजन हो रही है और मेरे को बाद में पता है कि ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, स्मॉल एम की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कितनी है, जीरो है। मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, राइट, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वी डैश। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मतलब ये जो स्मॉल एम है वो इसके अंदर स्टिक हो गई होगी, राइट, बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर स्टिक हो गई होगी, तभी इकट्ठे मूव कर रहे हैं वी डैश से। ये मेरे को कैसे पता चला कि इकट्ठे मूव कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इनिशियल अगर मैं मोमेंटम देखूँ तो वो था m इंटू वी, फाइनली वो दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो m प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश, मोमेंटम कंजर्व रहेगा कोलिजन के टाइम पे, तो स्मॉल m की वैल्यू 0.012 इंटू 70 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.012 इंटू वी डैश। सो यहाँ से वी डैश कितना आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा 0.012 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.012, ओके। तो सॉल्व करके ये आएगा 0.84, ओके, और इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा 0.412, राइट। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वी डैश मेरा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.04 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये तो मेरे पास वी डैश आ गया। अब जब ये ब्लॉक राइज कर रहा होगा तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स, अब दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो m प्लस m इंटू जी, राइट, और एक फोर्स लग रही होगी टेंशन की फोर्स, राइट। अब अगर मैं टेंशन की बात करूं तो वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी और जो ब्लॉक है, ब्लॉक प्लस बुलेट जो सिस्टम है वो सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो टेंशन हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर लगेगी, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर फोर्स का वर्क क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है और वर्क के फॉर्मूले में आता है कॉस थीटा, तो थीटा को 90 पुट करते हैं तो वर्क जीरो आ जाता है क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो टेंशन का वर्क जीरो बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाथ और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाता है और कॉस 90 जीरो होता है, टेंशन का वर्क तो नहीं आ रहा। तो अब बची कौन सी, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, राइट। तो जब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो यहाँ से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनटू मास, दैट इज टोटल मास लेंगे यहाँ पे, इनटू वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मास टोटल मास इनटू जी इनटू एच, मास तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से मेरी हाइट आ जाएगी वी डैश स्क्वायर बाय 2g, राइट। तो ये आ जाएगा वी डैश मेरा कितना है 2.04 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो सॉल्व करके मेरी हाइट आ जाएगी 0.212 मीटर। तो कितनी हाइट तक रेस करेगा वो, 0.212 मीटर। अब दूसरे पार्ट में मेरे से पूछा था कि हीट कितनी होगी ब्लॉक में, अब हीट आएगी कहाँ से, जब वो राइज कर रहे हैं तब तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रही है, तो तब तो हीट नहीं आई होगी, तो हीट कब आई होगी, ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि कोलिजन से जस्ट पहले अगर मैं टोटल एनर्जी देखूं तो कोलिजन से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन मेरे पास क्या था,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, राइट? और जस्ट आफ्टर कोलिजन, अगर मैं देखूं, सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू मास, दैट इज टोटल मास, ओके, इंटू वी डैश स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं तो यह है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और यह है फाइनल आफ्टर कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, हाफ एम की वैल्यू 0.012, स्पीड इनिशियल कितनी थी 70 का स्क्वायर, सो यह आ जाएगा 29.4 जूल। सिमिलरली अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये कितना आ जाएगा, हाफ टोटल मास 0.012 प्लस 0.4 इंटू वी डैश, कितना आया 2.04 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 0.86 जूल। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, होगी हीट में। सो हीट क्या होगी, मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो जितनी भी मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, सो ये आ जाएगा 29.4 माइनस 0.86, ओके, सो सॉल्व करके आएगा 28.54 जूल। तो ये मेरा हीट आ गया इन द ब्लॉक। तो मैंने हाइट भी बता दी, हीट भी बता दी, तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। थैंक यू।